नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ का किया उद्घाटन। योगी सरकार का दावा, शिक्षक भर्ती में 31,000 युवाओं का हुआ चयन। डिप्टी सीएम की सख्ती के बाद कार्रवाई, लोहिया संस्थान के 6 डॉक्टर 7 दिनों के लिए निलंबित किए गए। चुनाव आयोग के दौरे से पहले बीजेपी जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप आज करेगा बैठक। अयोध्या दुष्कर्म मामले में आरोपी एसपी नेता पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। ज्ञान व्यापी के बाहर नमाजियों ने किया हंगामा, गेट बनाने का किया विरोध। संसद में सतीश गौतम का एएमयू पर हमला, विश्वविद्यालय के मेडिकल में जाने से कतराते हैं हिंदू परिवार। गुजरात के नवसारी और डांग जिले में भारी बारिश, अंबिका नदी का बढ़ा जलस्तर। असम राइफल्स की 2 बटालियन जाएंगी जम्मू, सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने को केंद्र सरकार ने लिया फैसला। काठगोदाम मुंबई सेंट्रल विशेष ट्रेन का दिसंबर तक होगा विस्तार। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।